Hello and welcome to Tele Express, your one-stop destination for all entertainment news. और दोस्तों, इंडियन आइडल 13 के मंच पर आई थी पप्पी लहरी की बेटी, जी हाँ, रीमा लहरी। और दोस्तों, ऐसा क्या देकर गई रीमा लहरी जाते जाते दबोश्मिता को, क्योंकि दोस्तों दबोश्मिता तो है रीमा लहरी की फेवरेट। जी हाँ, और ये बात खुद बोली है रीमा लहरी ने, दबोश्मिता तुम मेरी फेवरेट हो। तो दोस्तों, रीमा लहरी जाते जाते दबोश्मिता को देके गई ये अनोखा तोहफा। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर। जी हाँ दोस्तों, तो इंडियन आइडल 13 के सेट पर आई रीमा लहरी, उन्होंने आकर सबके गाने सुने, साथ ही में उन्होंने दबोश्मिता को ये कॉम्प्लीमेंट भी दिया, तुम बहुत ज्यादा अच्छा गाती हो, तुम्हारे गाने सुनकर मुझे पापा की याद आ जाती है और तुम मेरी फेवरेट हो दबोश्मिता। दोस्तों, लेकिन रीमा ने जाते जाते दबोश्मिता को दिया एक ऐसा गिफ्ट कि जिसे देखकर दबोश्मिता की आंखों से तो आंसू ही आ गए। दोस्तों, जब दबोश्मिता ने गाना गाया, रीमा ने उनका गाना सुना, तो रीमा को उसका गाना बहुत ज्यादा पसंद आया। और फिर रीमा ने बातों में दबोश्मिता से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। तभी दबोश्मिता ने बताया कि वो उनके घर पर लोन चल रहा है, और ये बात सुनकर रीमा को बहुत बुरा लगा। दबोश्मिता के पास अपना घर भी नहीं है और जिस घर में वो रह रही है उस पर लोन है। तो जाते जाते रीमा ने दबोश्मिता को कहा कि लोन की टेंशन मत लेना, उसकी भरपाई मैं कर दूंगी। और दोस्तों, ये बात सुनकर दबोश्मिता की आंखों में आंसू आ गए, वो रीमा के गले लग कर फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, रीमा का इतना बड़ा दिल देखकर आपको कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को करें लाइक और शेयर।